54 क्या है? अच्छा चलें 58 और 62 चलें ठीक है थैंक यू. तो ये मैंने वेट का डेटा लिया है, अब ये चेयर कहीं साइड पे कर लो. ये सही है, वो सही नहीं आ रहा. चले मैंने वेट का आपका डेटा लिया और ये हमारी पॉपुलेशन है, सही है ना, ये हमारी पॉपुलेशन है कुल. अब इस पॉपुलेशन को अगर आप देखें, वैसे आपने नहीं बताया था, आपने बताया नहीं फिर वेट. सर बस अगर आप कम करना चाहें तो कम करें सर, लेकिन 68 है. अच्छा चलिए हमने 68 मान लिया, वेट के अंदर. अच्छा जरा गौर करें, ये वेट जो है ये हमारे पास इसका मिनिमम आ रहा है 54 और मैक्सिमम आ रहा है 104, सही. मिनिमम क्या आ रहा है और 104. तो टोटल हमारे पास कोई 26 लोग हैं, तो हम इसकी कितनी रेंज बनाएं? रेंज हम बना सकते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू 60, देन सेवेंटी सिक्स टू एटी और 81 to 95. एक आउटलायर है, उसका जरा वेट चेंज कर ले ऐसे ही. तो 5 का हो गया ना, बाकी 15 कौन से था? तो 95 से बना ये 90 और अबव 90 कितने हैं? एक ही है ना. तो चले यूं कर ले, सही है जी. तो इसकी लोअर रेंज हमारे पास 60 है, 70 है, 80 है, 90 है. 100 भी कर लें. ये 104 पे कौन था आपका? चले हम आसानी के लिए वेट 98 का है. मुबारक हो. हाँ तो फुल ईयर कौन था अगर ये सर करे? नहीं, ये आप समझे, मैं वो चूंकि बिल्कुल एक है ना आउटलायर, तो वहां भी एडजस्ट करना ही पड़ता है समझे, सही है ना. मैं सारों के वेट नहीं चेंज, इनका भी चेंज करना जरूरी नहीं है, ये बता दूं आपको. ये नहीं है कि मैंने किया है, वैसे ऐसे आसानी के लिए ताकि जरा रेंज बराबर हो. मैं इसके डेटा में गया हूं और डेटा एनालिसिस
एनालिसिस के अंदर एक ऑप्शन है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इसकी बनाते हैं। हिस्टोग्राम में वो कह रहा है इनपुट रेंज बताएं, यानी कि किस डेटा की हिस्टोग्राम बनानी है, तो हमने किस डेटा की हिस्टोग्राम, ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है बिन रेंज बताएं, बिन रेंज का मतलब ये है कि ये जो क्लासेस मैंने बनाई है ना, इनकी मैंने वन साइड सिर्फ लिखी, अपर साइड ये मैंने लिख दी। उसके बाद वो कह रहे हैं आउटपुट कहाँ पे चाहिए, तो आउटपुट हम यहां पे ले लेते हैं। और कोई चीज चाहिए अभी नहीं, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। फ्रीक्वेंसी टेबल बता रहा है कि बिलो 60 कितने हैं और 60 टू 70 कितने हैं, 70 टू 80 कितने हैं और 80 टू 90 कितने हैं और 90 टू 100 कितने हैं। डेटा हमारा स्क्यूड है, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड सॉरी उसकी टेल लंबी है लेकिन क्लस्टर ज्यादा जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक हो गया। ऐसा ही आया तो इसका मैं प्लॉट करता हूं, सही है जी। और इसमें मैं इसका डेटा चेंज करूं बिन रेंज का, सेलेक्ट डेटा, इसमें मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एडिट कर रहा हूं, तो ये स्टोरी है जी। अब ये चूंकि एक ही सीरीज है इसको कहते हैं की, ये क्या है की, क्योंकि सीरीज एक ही है तो इस की की जरूरत नहीं। अब ये हमारी मर्जी, हम इसको लिखना चाहें 50 टू 60 जो मर्जी, अब आप लिखना चाहें। वो पहली दफा बिन रेंज देने के लिए वो काम जरूरी था, अब आप मर्जी है तो आप इसको यहाँ पे लिख लें जरा ग्राफ सही करने के लिए 50 टू 60, सही है ना, 51 टू 60, 61 टू 70, 71 टू 80, 81 टू 90, 91 टू 100। मैं एक दफा फिर इसको डेटा सेलेक्ट करके इसको भी एडिट करके फटर इसके लिए आता हूँ ताकि जरा सही से काम हो जाए। ये ग्राफ बनाना भी और ग्राफ प्रेजेंट करना भी, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये मेरे पास आ गया क्या चीज, हिस्टोग्राम। ये ऐसे वैसे हिस्टोग्राम नहीं है, ये बार चार्ट है, हिस्टोग्राम नहीं है। हिस्टोग्राम के हिसाब से मैंने डेटा बना दिया है लेकिन मैंने फाइनली जो प्लॉट किया है वो प्लॉट बार चार्ट किया, इट्स नॉट हिस्टोग्राम, ठीक हो गया। तो हमें जो आइडिया लेना था बस वो समझ लें, बाकी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको एग्जैक्ट वो भी किया जा सकता है या ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। तो बाय द वे जब आपके पास ये इक्वल डिस्टेंस वाले सारी क्लासेस हैं, हमारी सारी क्लासेस का जो गैप है वो 10 है, फिर बार चार्ट और हिस्टोग्राम में कोई बड़ा फर्क नहीं रहता, ये ध्यान में रखें। अगर ये अनइक्वल होती फिर हिस्टोग्राम और बार चार्ट में बहुत फर्क होता। बेसिक डिफरेंस बार चार्ट और हिस्टोग्राम में ये होता है कि बार चार्ट का जो हाइट है That measures frequency or probability, सही? Whereas histogram का जो बार होता है उसका एरिया प्रॉबिबिलिटी या फ्रीक्वेंसी को मैयर करता है, ये डिफरेंस है।
जो बार चार्ट है, इस बार चार्ट में एक तो ये जो बार चार्ट है, इस बार चार्ट का जो हाइट है ना, वर्टिकल एक्सिस की हाइट, मसलन ये 12 फ्रीक्वेंसी है, तो ये हाइट फ्रीक्वेंसी मेजर कर रही है, जबकि हिस्टोग्राम में हाइट नहीं होती बल्कि इस बार का एरिया हाइट इनटू विड्थ मिला के फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। उसका फिर इशू ये होता है कि अनइक्वल हो अगर, तो जितना आपका ज्यादा होता जाएगा ना विड्थ, तो उसकी उतनी हाइट कम होती जाएगी, गिवन द एरिया, सही है ना, तो उसका एरिया मेजर कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी को, इधर हाइट मेजर कर रहा है, इसलिए हिस्टोग्राम का वर्टिकल एक्सिस नहीं होता, हिस्टोग्राम का वर्टिकल एक्सिस नहीं होता, इसका वर्टिकल एक्सिस है, बात समझ आ गई। लेकिन चूंकि अप्रोक्सीमेट हम तो आपको समझाना है केस वो बना रहा हूं, तो इसलिए मैं अभी मैं ऑप्शन देख लू, वैसे अगर इसमें ऑप्शन मिलती है मुझे तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। अच्छा, ये इसमें ऑलरेडी ऑप्शन थी हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम का वो कह रहा है चार्ट आउटपुट चाहिए, तो वो भी बता रहा है, सही। तो इसमें ऑलरेडी ऑप्शन थी, तो ये इसने फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करके दे दी है, वही 60 70 80 करके, तो ग्राफ ऑलमोस्ट इसने वही बनाया, सही है ना, क्योंकि रेंज सेम है, लेकिन अदरवाइज आपको टेक्निकल डिफरेंस पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए मैं इसमें ट्रेंड फिट करता हूं, ये हर पॉइंट आपके काम का है, अगर आप समझें तो कि किसी चीज को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ अगर मैं इसमें लीनियर बनाऊं तो वो मीनिंगलेस होगा, और पॉलिनोमियल बनाऊं तो वो काम का है, लेकिन उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। ये डिग्री जिस तरह से अब मैंने बनाई है, ये मेरे काम की नहीं है। पॉलिनोमियल की डिग्री है ना, यानी कि आप इसका स्क्वायर लेंगे, क्यूब लेंगे, फोर्थ पावर लेंगे, जितनी पावर ज्यादा लेंगे उतने टर्म ज्यादा आएंगे, सही है। तो ये लीनियर है, लीनियर तो यहां मीनिंगलेस है, ये चूंकि एक एक्सेल का अपना इशू ये है कि ये यहां से यहां तक आता है, इससे नीचे नहीं आता, तो इसका एक आसान तरीका और भी है कि मैं वो इसको कर लेता हूं थोड़ा सा चेंज, और वो ये है, इधर कर देता हूं जीरो, इधर कर देता हूं जीरो, ये ऐसी आसानी के लिए ग्राफ को सही करने के लिए, ऊपर मैंने कर दिया बिलो 60 और इसको मैंने लिख दिया अबव 100, और मैं ये जो ग्राफ है ना इसको इसकी बजाय यहां ले आया, ज्यादा मीनिंगफुल ग्राफ हो गया। थोड़ा सा भी इसका प्रॉब्लम है कि ये एक टर्न और ले रहा है, लेकिन अगर हम ये टर्न नहीं लें तो फिर ये इसका प्रॉब्लम ये है कि अब अप्रोक्सीमेट अगर आप इसको देखें, मैं कोई और इसमें देख लेता हूं अगर मुझे मिलता है ट्रेंड, तो एक इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, कुछ समझ नहीं आती, ये
ये पहले बेहतर था लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें किंग का है, तो इन सारी चीजों से मिल मिला के रिजल्ट ये निकला कि यही ठीक है। बिलो 50 हो जाए, बिलो 50 कर ली, ये बड़ी चीज है। ग्राफ का ये तो जस्ट एक अप्रोक्सीमेट नंबर है ना, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, कंटिन्यूअस होता तो इस तरह का ग्राफ बनता है यहां, ये इसका मतलब। तो पॉइंट ये है कि हमारा जो डेटा आया है मेरे हिसाब में उसका जो ग्राफ बना है तो कुछ इस तरह का बना, थोड़ा सा राइट वर्ड स्क्यूड है, लेफ्ट इसका क्लस्टर है। इसका प्रॉब्लम ये होगा कि इसका जो मीन है ना, मीन वो मीन इस साइड पे होगा कहीं, मीन, और इसका मॉड इस साइड पे होगा, और मीडियन भी मीन से शायद लेफ्ट पे होगा। हम इनको देख लेते हैं, ये सारी डेटा की प्रॉपर्टीज है, सही, ये डेटा की प्रॉपर्टीज है। तो हम इस डेटा का मीन निकाल लेते हैं, ये इसका मीन आया, सही। मैंने क्या कहा था, ये किस साइड पे होगा, ये इस हाईएस्ट पॉइंट से राइट पे होगा, और ये राइट पे आया कैसे, हाईएस्ट पॉइंट कहां पे है तो बता सकते हैं 65 पे, मिड पॉइंट लेते हैं 65 पे, जबकि हमारा एवरेज किधर आया, उससे राइट साइड। मॉड इसका लें, तो वो इसका 68 है, क्योंकि ये थोड़ी सी रेंज बड़ी है तो इस वजह से इसके अंदर मॉड, अगर हमारे पास जो है वो रेंज छोटी होती तो ये नंबर एक्चुअली उससे लेफ्ट पे आना चाहिए। तो मीडियन ले लें, तो वो 65 आए, क्योंकि बड़ी रेंज है और उस बड़ी रेंज में एक नंबर मॉड आ गया, अदरवाइज इसका मॉड और मीडियन दोनों ही लेफ्ट पे होने चाहिए, लेकिन चले ये हमारे डेटा की प्रॉपर्टी है। अब मेरे पास ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आज मैं आपके सामने वो काम कर रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक भी है लेकिन बिल्कुल हकीकत पे मबनी भी है, इसके बाद आपको सैंपलिंग और ये कहानियां समझ आ जानी चाहिए। अब मेरे पास ये पॉपुलेशन है, ठीक है ना, और ये एक्चुअल पॉपुलेशन, एक बंदे का डेटा हमने थोड़ा सा चेंज किया है लेकिन सपोज उसका डेटा यही है, अदरवाइज तो हमने कुछ नहीं, वो डेटा भी अगर मैं चेंज नहीं करूं तो वो एक ही नंबर है, ये देखें एक नंबर है, उस एक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे एज सच। तो अब मेरे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आई है ये तो सही हो गया, हमारे पास टोटल कितने पॉपुलेशन है, 26 पॉपुलेशन, कितने की है 26 की। अब इस 26 की पॉपुलेशन में से कितना सैंपल है, सैंपल नहीं, हम सैंपल के काम करेंगे तभी तो हमें सीखना है, नहीं वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा ना, मैं पॉपुलेशन में से सैंपल लेना ही तो सिखा रहा हूं, रैंडम सैंपल। तो कितना साइज रखें, मेरे ख्याल में 6 रखते हैं, 6 रखते हैं एक वजह से, ठीक हो गया। मैंने क्या रखा, सैंपल का साइज 6। मेरा टाइम लगेगा बहुत छोटी छोटी चीजों पे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन खैर है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं ये करता हूं कि डेटा एनालिसिस में फिर जाता हूं और उसमें एक ऑप्शन है सैंपल, डेटा एनालिसिस के अंदर ऑप्शन है सैंपल, और इसको मैंने ओके किया
अब वो कह रहा है सैंपल किस में से सिलेक्ट करना है, इनपुट रेंज यानी कि पॉपुलेशन बताओ। मैं पॉपुलेशन देता हूं, ये पॉपुलेशन है, उसके बाद वो कह रहे हैं रैंडम नंबर ऑफ सैंपल्स यानी कि सैंपल साइज 6, आउटपुट रेंज जो है वो मैं दे देता हूं कहीं इधर आगे करके, यानी कि कहां आउटपुट रेंज का मतलब होता है कि वो कहां पे सैंपल प्लेस करे। ओ सॉरी, ये सैंपल आ गया। वैसे मैंने नाम दे दिया सैंपल वन। ये मेरा दूसरा सैंपल आ गया। सही है, ठीक हो गया। मैं सैंपलिंग खुद करके दे गया, जी जी रिप्लेसमेंट देता है ये। अब थोड़ा सा आगे इसका तरीका और आएगा, लेकिन अभी तक जो है वो हम इसे मैनुअली करेंगे। कितने सैंपल हो गए? कितने हो गए? ख्याल नहीं काफी है।
मेरे पास क्या है, टेन सैंपल हो गए। अभी देखते हैं अगर मसला टेन से हल हो गया तो ठीक, नहीं तो पांच एक और सैंपल ले लेंगे, लेकिन अभी ये नहीं। अब हम लेते हैं सैंपल मीन। क्यों लिए वो, तो यहां जितने सैंपल ड्रा हो सकते हैं सारे लेने चाहिए थे, मैंने ऐसे ही 10 ले लिए। वैसे तो थ्योरी के हिसाब से मुझे सारे सैंपल मिले, और सारे सैंपल्स तो ये कोई हजारों में बन जाएंगे, तो वो तो फिर टाइम नहीं है ना। जब हम इसको ऑटोमेट करेंगे, यानी कि इस तरह मैनुअली नहीं करूँगा, तो फिर जो है वो मसला, फिर हम ज़्यादा हजार हजार सैंपल लिया करेंगे। अभी तो जस्ट सीखना है बेसिक, तो ये हमने सैंपल ले। नहीं नहीं वो जरूरी नहीं है, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ कि डेटा की प्रॉपर्टीज दिखा रहा था कि ये स्क्यूड है तो मीन किधर आएगा और मॉड किधर आएगा, मीडियन किधर होगा, तो जस्ट समझाने के लिए। ऐसे ये खेल है समझे। अब मैंने 10 सैंपल्स लिए, 10 सैंपल्स की अपनी कुछ स्टोरी है, वो समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मिनिमम 64 आया और मैक्सिमम 76 आया। मिनिमम 65 कर लें और मैक्सिमम जो है वो 76 कर लें, तो इसका मतलब है इसके भी ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये 65 है तो हम इसको कर लेते हैं 61 to 70, 71 to 80, नहीं हम इसे करेंगे 64 to 70, 71 to 77, 70, वैसे तो ये आप चूंकि डेसिमल में चला गया है तो आप इसे 70 कर सकते हैं, 70 point something। तो गलत नहीं होगा, पॉइंट तो आएगा ना, पॉइंट आएगा। अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं 76 से 82, कितनी बने, 3। अभी बहुत छोटा डेटा है ना, अभी इसी तरह एक काम चलाना पड़ेगा। तो पहले का हाईएस्ट पॉइंट है 70, दूसरे का हाईएस्ट पॉइंट है 76 82, इससे भी ज्यादा और हो सकते थे ग्रुप्स, लेकिन हमने अभी इतने किए। ठीक है, नंबर बहुत कम है, या आप चाहें तो थोड़ा सा और किया जा सकता है। चलें अभी इसी पे चलते हैं। हम फिर से क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। और अब जो हिस्टोग्राम के लिए रेंज है, वो ये मीन वैल्यू, और अब जो इसकी बिन रेंज है वो ये नंबर, और अब जो इसकी मुझे आउटपुट चाहिए वो यहां ले लेते।
उसका मिनिमम कितना आया था? और मैक्सिमम 76 सोच लें, सही है, मैंने रेंजेस गलत बना दी थी। तो ये हमारा आया है किसका डेटा? अच्छा, यहाँ चूंकि बिल्कुल भी नहीं है तो हम इस एक को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो मीन की डिस्ट्रीब्यूशन आई है वो अप्रोक्सीमेटली मेट्रिक है अराउंड मीन। सही हो गया, ये मेट्रिक। फिर एक और चीज भी देखें कि ये जो सारे मीन आए हैं इनका एक मैं ग्रैंड मीन निकालता हूं। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, जो मीन थे उनका एवरेज। फिर मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार। अब आप एक बात समझ रहे हैं कि एक्स बार इस वक्त रैंडम वेरिएबल बन चुका है। एक्स बार अब एक वेरिएबल है मेरा, उसी की मैंने हिस्टोग्राम बनाई है, उसी का मैंने मीन निकाला है, उसका वेरिएंस निकाल रहा हूं। सही है जी? तो निकालें जी वेरिएंस ऑफ एक्स बार। फिर मुझे चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन है बेसिकली एक्स बार का। ये सारी चीजें मेरे पास आ गई, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं ये है ऑफ एक्स बार, बल्कि मैं इसे कहता हूं एक्स बार, इधर लिख देता हूं, इधर मीन ही लिखता हूं, वह है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। इधर मैं लिखता हूं म्यू, म्यू का मतलब होता है कि ये, बल्कि म्यू नहीं है, यहां डायरेक्टली पॉपुलेशन की कुछ चीजें मैं नोट करता हूं। मीन क्या आया था पॉपुलेशन का? यह आया इसका मीन। वेरिएंस क्या आया था पॉपुलेशन का? वो हमने पहले नहीं निकाला, वो ये आए। और स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का क्या था?
ये ठीक है। अभी तक जो हमने सीखा वो क्या सीखा, हमने सिर्फ इतनी बात सीखी है कि जो x बार है वो वेरिएबल है। कब? जब हम उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। ये उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप इससे देख सकते हैं। ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे x बार, इसका मतलब x बार वेरिएबल नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं है, सैंपल टू सैंपल वेरी कर रहा है, और उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, क्योंकि हमारे पास तो 10 वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट डेटा है, हम इसकी एग्जैक्ट नॉर्मल तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप देखें तो वैसी शेप आई। दूसरा हमें ये भी पता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है दिस शुड बी इक्वल टू म्यू पॉपुलेशन मीन। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं x बार अनबायस्ड है, x बार अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार म्यू की इक्वल हो तो फिर हमें एक बात पता है कि जो वेरिएंस ऑफ x बार है जिसको हम कहते हैं अगर ये मिनिमम हो तो ये एस्टिमेटर बेस्ट है। वो जिसकी बात करते हैं ना कि ये एस्टिमेटर बेस्ट है, बेस्ट का मतलब ये है कि जो जिस एस्टिमेटर ने, हमारा एस्टिमेटर एक्स बार है, जिस एस्टिमेटर ने ये सैंपल मीन की वैल्यूज दी हैं आपको, इन सैंपल एस्टिमेट्स का जो वेरिएंस है ये किसी और एस्टिमेटर से भी आप सैंपल एस्टिमेट निकाले मीन के तो इन्हीं का वेरिएंस कम होगा, इससे वेरिएंस कम नहीं होगा। इस सेंस में हम कहते हैं ये बेस्ट है। तो वो जो वेरियंस ऑफ एक्स बार है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर सैंपल साइज। जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है सैंपल साइज पे डिवाइड करें तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार आता है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार होता है सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब ये चीजें हमने देख ली, सही। अब पहली बार जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आया हमारा वो आया 68.3 और पॉपुलेशन का मीन था 67.6, कुछ भी नहीं तो ये राउंड ऑफ करें तो दोनों 68 है। इसका मतलब हमारी वो बात पूरी हो रही है, एग्जैक्टली इक्वल इसलिए नहीं, हमने तो 10 सैंपल लिए हैं, फिर कह रही है सारे सैंपल लिए, 10 तो बहुत ही छोटा नंबर है, 1000 सैंपल आप ले सकते हो, सिर्फ 10 सैंपल लिए हो, 1000 सैंपल आप ले सकते हो, सिर्फ 10 सैंपल आपने लिए हो और फिर भी रिजल्ट इतना करीब आए तो इसका मतलब आप अब समझ रहे हैं ना कि उसका मीनिंग एटलीस्ट क्या है। अगली बात है मीन की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक आई है और ये मीन की प्रॉपर्टी है, जिस पॉपुलेशन में से आप सैंपल ड्रा कर रहे होते हैं उसकी कोई सी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। इसकी और कंडीशंस भी हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पूरा अगर आपको याद हो तो, लेकिन पॉइंट ये है कि हम अभी टेक्निकलिटीज में जाने की वजह सिंपल चीजें कर रहे हैं कि ये इस तरह से इक्वल हो सकते हैं। क्लियर हो गया, सही है ना। अब हमें इसकी बेस पे कुछ और स्टोरीज भी करनी एक्सप्लेन, लेकिन उससे पहले मैं एक काम और करता हूं, सैंपल साइज बढ़ा देता हूं, यही काम मैं दोबारा करता हूं और सैंपल साइज बढ़ा देता हूं, ठीक है। देखिए मुझे उस पर कोई इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने अब आपको समझाना नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूं, सिर्फ आपको एक पॉइंट एंड पे समझ आएगा कि इससे फायदा क्या होगा। तो
बंद हो गया मेरे बंद हो रहा है नहीं हो रहा ठीक है हो रहा आपने गिनना है कितना चार हो गए नहीं ये अलग है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं इसमें हर वीडियो का टाइम है अभी इसमें भी 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा कितने हो गए टीचर में अपना मूव कर 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा फिर दोबारा मुझे करना पड़ेगा चलिए मेरे पास सैंपल आ गए सही है और अब मैंने इसका सैंपल मीन वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ले फिर से मेरे पास सैंपल मीन सैंपल वेरियंस और ये सारा आ गया पहले मैंने शायद सैंपल वेरियंस और ये वो नहीं निकाले तो यहाँ पे हम फिर वही लेते हैं मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि स्टैंडर्ड एरर बनेगा और ये एक्स बार का है अब निकले तो ये मेरे पास सारे मीन वैल्यूज हैं ये इनका मीन आया ये हम सबका वेरियंस आया है ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है ठीक हो गया जी ये जब हमारा सैंपल साइज 10 था तो सैंपल साइज 10 के केस में ये होना चाहिए था जी वेरियंस पॉपुलेशन divided by sample size 10 sahi hai variance of population divided by sample size
तो एक चीज मुझे थोड़ा सा तो अब हमारे पास जो सैंपल हमने सिलेक्ट करना होता है, जो सैंपल हमने सिलेक्ट करना है वो कोई एक होगा, कोई एक, तो इनमें से कोई एक सैंपल बताएं हमने कौन सा लिया है। हमने तो कोई एक सैंपल लिया है ना, रैंडम है, तो हमारा कौन सा सैंपल है इनमें से? बोलते हैं सोच तो ऐसे रहें जैसे आपने कोई इसमें खास डिसाइड करना है, कोई एक सैंपल बता दें। सपोज हमने एक्चुअल में सैंपल 5 लिया था, अगर सही, ये सैंपल 5 नहीं है, हमने तो एक ही सैंपल लेना है, तो हमारा तो यही सैंपल। सपोज हमने ये सैंपल लिया, अब जरा समझिए रिसर्च करते हुए आपको क्या इश्यूज होंगे। आपने तो लिया एक ही सैंपल, और लेना भी एक ही था, आपने वो जो सैंपल लिया उस सैंपल का जो पॉइंट एस्टीमेट आएगा, इसका जो मीन आएगा वो पॉइंट एस्टीमेट कहलाएगा किसका? पॉपुलेशन मीन का। आपके पास तो एक सैंपल, आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल का जो मीन निकला है, और थोड़ी देर के लिए रियल वर्ल्ड की तरह सोचें, जिस तरह आप एक्चुअल में रिसर्च कर रहे होते हैं कि आपको तो पॉपुलेशन का मीन अननोन है, आपके लिए तो पॉपुलेशन का मीन अननोन है। अब आपके पास ये आ गया, आप कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में या मेरे सैंपल के हिसाब से जो पॉपुलेशन का मीन है वो 64.6 है या 65 है, ठीक हो गया। अब आप इसका वेरियंस निकालें इस सैंपल का, इस सैंपल का वेरियंस वो ये आया, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें वो ये आया, सही। अब आपको पता है कि जो ट्रू वैल्यू है किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की, वो आपको पता है में होता है या नहीं पता? जब आपके को नहीं पता तो हम कहते हैं कि एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज टी डिस्ट्रीब्यूटेड। कब ये, कब हमने रैंडम वेरिएबल बनाया, ये रैंडम वेरिएबल टी डिस्ट्रीब्यूटेड है, साथ हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है दिस इज एस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट, यानी कि ओरिजिनल फार्मूले में ये था सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, हम इसको कह रहे हैं एस ओवर एन स्क्वायर रूट, वेयर एस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इट्स नॉट पॉपुलेशन। फार्मूले में ये पॉपुलेशन है, हमारे पास पॉपुलेशन का है नहीं, ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन का नहीं है। जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आप रिप्लेस करेंगे इस केस में ये टी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये टी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब है कि एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार जो है दिस इज द इंटरवल एस्टीमेट ऑफ म्यू, ये क्या है, इंटरवल एस्टीमेट है म्यू का, तो निकालें जरा इसको भी,
तो हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार विच इज इक्वल टू सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 विच इज सैंपल साइज। तो ये आ गया। तो अब हमने निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अल्फा रखिए कितना 5% 95। तो डी की वैल्यू हमने निकालनी है, कैसे निकालेंगे? डी इनवर्स प्रोबेबिलिटी है दिस डिवाइडेड बाय 2 यानी कि अल्फा बाय 2 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5। ये हमारा सैंपल है टोटल एन माइनस 1। तो ये हमारे पास आया है टी 3.16। ठीक है 3.16। अब हम निकाल लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट जो है वो होगी एक्स बार माइनस टी अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अपर लिमिट क्या हुई एक्स बार प्लस टी अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। हम कह रहे हैं कि हमारा 95% हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो इंटरवल है ये इंटरवल पॉपुलेशन मीन को कंटेन करता है और हम इस पे कितने कॉन्फिडेंट हैं 95। तो आपका क्या ख्याल है कि आपका ये इंटरवल उसको कंटेन करता है? क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक्चुअल डेटा है ना, तो पॉपुलेशन का मीन क्या है 68, तो ये वाकई उसको कंटेन करता है। सही, कंटेन तो करता है लेकिन यहाँ 95% कर रहा है। ये जो आपके पास एक इंटरवल आ गया है, इस इंटरवल में पॉपुलेशन पैरामीटर है क्योंकि हमने ये पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टीमेट निकाला है। बता सकते हैं इसमें 95% का एक्चुअली क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस क्या 100 टाइम्स अगर हम इसको करें किसको किसको ठीक है पॉपुलेशन के मीन को इंटरवल को फिर अब एक नया काम करते हैं। हम सारे सैंपल उठा के ले आते हैं जो कि एक्चुअली नहीं होता लेकिन इधर तो हमारे पास मौज है ना, कैसे हमारी मर्जी हम सारे सैंपल उठा लें, हमें पॉपुलेशन पता, हमें एक से ज़्यादा सैंपल्स पता। जब आप एक्चुअल रिसर्च कर रहे होते हैं तो पॉपुलेशन पता ही नहीं होती और सैंपल एक होता है, लेकिन यहाँ तो इशू नहीं है ना। तो जब इशू नहीं है तो सारे सैंपल लें। ये इंटरवल कॉन्टेन करता है 1, ये करता है 1, ये करता है 1। इसमें क्या हम बहुत कम सैंपल ले रहे हैं ये ध्यान में रखें। तो एग्जैक्ट उसकी
ये सब में ही है। सब में होने का मतलब ये है कि एक बात बहुत क्लियर है कि हमने 10 सैंपल लेके देख लिए और हर सैंपल में से एक ही स्टोरी निकल गई। और वो स्टोरी क्या है कि जो भी हम उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, और हर एक का कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग है, हर दफ़ा हर सैंपल का कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग आया, लेकिन हर दफ़ा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो एक स्टोरी हमें पता है कि आपका पॉपुलेशन पैरामीटर उसके अंदर है। अगर हम एक से 10 से ज़्यादा सैंपल लें, मसलन 100 सैंपल्स ले लें, अब ज़ाहिर मेरे पास तो टाइम नहीं है ना इस वक्त कितने मैं सैंपल लूँ, 10 लेने में भी टाइम लगता है, मैं 100 ले लूँ। अगर मैं 100 सैंपल्स लूँ तो 100 सैंपल्स में से 5-1 सैंपल्स ऐसे भी आएंगे जिनके कॉन्फिडेंस इंटरवल में पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं होगा, सही है, जिनके कॉन्फिडेंस इंटरवल में पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप एक सैंपल, अब आपके पास एक सैंपल होता है, जब आप एक सैंपल ले रहे होते हैं उस एक सैंपल की बेस पे जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं, जब एक सैंपल की बेस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो दो नंबर आए हैं 60 और 69, इसका ये मतलब नहीं है कि इन दो नंबर्स के दरमियान पॉपुलेशन का पैरामीटर आने के चांसेस 95%, ये बात नहीं है। बल्कि बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन, मेरा सैंपल ये कह रहा है कि पॉपुलेशन का मीन इस रेंज में होगा, और मैं उस पर 95% कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हूँ कि 95 टाइम्स इस रेंज में आएगा, बल्कि मैं 95% कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मैं अगर 100 सैंपल्स लेता और हर सैंपल के अपने अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बनाता तो उनमें से 95 इंटरवल्स में मेरा पॉपुलेशन का पैरामीटर होता और 5 में नहीं होता, तो इसलिए मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें भी पॉपुलेशन पैरामीटर है, सही। लेकिन क्योंकि आपने तो कितने लेने हैं सैंपल, एक, हो सकता है कि जो सैंपल आपने लिया है वो उन 5 में से एक हो जिनमें पॉपुलेशन का पैरामीटर है ही नहीं, आप फिर भी कह रहे होंगे मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि इसमें है। आपको चूंकि एक्चुअली ये नहीं पता कि अगर 100 सैंपल में से 95 ऐसे इंटरवल्स जनरेट करते हैं जिनमें पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है और 5 ऐसे इंटरवल्स जनरेट होते हैं जिनमें पॉपुलेशन का पैरामीटर नहीं होता, अब जो सैंपल आपने लिया है उसमें इंटरवल वो 5 वाला है या 95 वाला है, ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता होता। जब आपको एक चीज़ नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे, आप यही कहेंगे ना कि मुझे पता तो नहीं है, लेकिन चूंकि 95 आपने देखें, एक डब्बे में 95 रेड बॉल्स हों और 5 ब्लैक बॉल्स हों और आप एक रैंडमली बगैर देख के उठाएं तो आप क्या कहेंगे, मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो बॉल मैंने पिक किया वो रेड है। आप देख नहीं रहे, हो सकता है आपके हाथ में ब्लैक बॉल हो, ऐसा हो सकता है या नहीं, आपने तो रैंडमली एक बॉल पिक किया, हो सकता है वो ब्लैक पिक हो गया हो, आप बगैर देखे कह रहे हैं मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रेड है, ये बॉल रेड है, बॉल आपके हाथ में ब्लैक की हो सकता है, सही। तो चूंकि आपको पता नहीं है, आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होते हैं कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि ये ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी मेरा नल हाइपोथेसिस,
सीआर में रखा है हमारा भी है इशारे कर लो पीछे देखो अब एक चीज मुझे और बताएं कि जब हमारा सैंपल साइज था 10 तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन आए कोई बता सकता है उनका एवरेज क्या आया स्टैंडर्ड डिविएशन का तो नहीं और उन स्टैंडर्ड डिविएशंस का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या ये एवरेज आया 9.16 और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया अब यही काम आप वो करें उसके लिए जब आपके पास सैंपल साइज था या मैं मीन को नहीं कर रहा मैं स्टैंडर्ड डिविएशंस को कर रहा ये है जब आपका सैंपल साइज था 6 और ये है जब सैंपल साइज है 10 क्लियर पॉपुलेशन का स्टैंड डेविएशन कितना है 10.4 सही और जो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन आए हैं वो ऑन एवरेज एक दफा 9.16 आया और एक दफा 9.19 को बड़ा फर्क नहीं है ठीक हो गया इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल के ऑन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसके करीब करीब है लेकिन जितना आपका सैंपल साइज छोटा है उतना स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल टू सैंपल ज्यादा वेरी कर रहा है सही है उतना स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल टू सैंपल ज्यादा वेरी कर रहा है और जितना आपका सैंपल साइज बड़ा है उतना सैंपल टू सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन कम वेरी करेगा सही ऑन एवरेज तो दोनों केसेस में एक ही है एक सैंपल और ले लेते हैं अकेला सिर्फ एक सैंपल लेते हैं मैं सैंपल लेता हूं 20 का ठीक है सारे नहीं लेता जस्ट ये एक दो ले
अब जरा इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। अब मैं सैंपल साइज 20 रख लिया, ज्यादातर हमारी चीज गड़बड़ हो रही है, कम सैंपल ले रहे हैं। चलिए आपको बेसिक सी चीजें कम से कम प्रैक्टिस के हिसाब से समझ आ जानी चाहिए, बाकी मैं फिर मैं आपको दूसरे ऑटोमेटेड प्रोसीजर से करवा दूँगा। तो ये 7 हो गया। चलिए अब 7 ले लिया तो 10 पूरे कर लो। अब जरा इनका एवरेज देखिए कितना आया, ये जब सैंपल साइज हम ले रहे हैं 6 फिर 10 फिर 20, अब एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया, और अब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया। जनरल जो रूल बना वो ये कि आप जितने भी सैंपल्स लेंगे ना, जो सैंपल साइज छोटा हो या बड़ा हो, ऑन एवरेज सैंपल सारे सैंपल्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ऑन एवरेज पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। क्यों? ये तब तक होगा जब तक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अनबायस्ड है। सही, बायस्ड होगा तो फिर डिफरेंस आएगा ना, लेकिन इशू ये है कि जितना सैंपल साइज छोटा होगा उतना स्टैंडर्ड डेविएशन की सैंपल टू सैंपल वेरिएशन ज़्यादा होगी, और जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतना सैंपल टू सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिएशन कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पॉपुलेशन का वेरियंस हो या पॉपुलेशन का वेरियंस नॉन हो, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है, x बार न्यू पॉपुलेशन का मीन है, x बार सैंपल का मीन है, ये चेंज हो रहा है, और ये पॉपुलेशन का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, x बार। क्लियर? अगर इसकी जगह मैं सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लूँ तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जितना सैंपल छोटा होगा सैंपल टू सैंपल बोथ वेरी करेगा, जब सैंपल टू सैंपल वेरी करेगा तो उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन। ये रीज़न है कि जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल साइज कम करते आए तो उसकी टी वैल्यूज बड़ी होती जाती हैं, और जो जो आप सैंपल साइज बढ़ाते जाएँ और 30 या 30 को क्रॉस करें तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ वही हो जाती है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है, यानी कि जो पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आना था, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के केस। तो टी की वैल्यूज जी की वैल्यूज के इक्वल होती हैं जब 30 का सैंपल साइज हो,
क्यों? क्योंकि जब सैंपल 30 या 30 प्लस हो तो सैंपल टू सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत वेरी नहीं करता और वो अप्रॉक्सीमेशन होती है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन की। लेकिन अगर आपका सैंपल साइज छोटा हो जाए, जैसे मैंने 6 का सैंपल लिया, तो 6 के सैंपल में सैंपल टू सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत वेरी कर सकता है। जब बहुत वेरी कर सकता है तो जो सैंपल हमने लिया उस सैंपल का सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो इसका मतलब है सैंपल टू सैंपल वेरिएशन में, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इस विड्थ के बढ़ने की वजह से, इस विड्थ के बढ़ने की वजह से हमारी टी की वैल्यूज जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होती जाएंगी, टी की वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज बढ़ती है। सही है? आप मुझे इसके बारे में नेट आता है तक हमने टोटली 3 से 4 पॉइंट समझे। नंबर 1 एक्स बार वेरिएंस एंड डेविएशन, ये सब सैंपल टू सैंपल वेरी करते हैं। नंबर 1 जितना सैंपल साइज छोटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज्यादा वेरी करेगा सैंपल टू सैंपल। पॉपुलेशन में डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो, मीन की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होती है। ठीक है? और सैंपल साइज छोटा लें या सैंपल साइज बड़ा लें, ऑन एवरेज मीन की वैल्यू सैंपल टू सैंपल, मीन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन या वेरिएंस का मीन, वो पॉपुलेशन के मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वल होंगे, उससे सैंपल साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। सैंपल साइज 6 लें या 20 लें, दोनों केसेस में मीन ऑफ मीन पॉपुलेशन मीन की इक्वल होगा, मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वल होगा। लेकिन 20 सैंपल साइज के लेने में स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल टू सैंपल कम वेरी करेगा और 6 सैंपल साइज लेने में स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल टू सैंपल ज़्यादा वेरी करेगा। ये डिफरेंस है जो अभी तक हमें समझ आए। ये फिलहाल बंद कर। Thank you.
बिल्कुल लार्ज बेसिक सी चीजें करवा रहा हूँ। तो ये जो आप ब्रैकेट में करते हो ये तीन सर ये दो में उसमें भी तो ये जो आप ब्रैकेट करते हो इक्वल टू सर ये तो उसके फॉर्मूले से नेट से सर ये हमें कहीं से रिटर्न मिल जाएंगे सर नेट पे वाले बोल रहे हैं नेट पे हैं सर आप यूट्यूब के चैनल पर सर वहाँ से फिर वायरस वो तो चलो फॉरवर्ड कर दिया ना तुम्हारा थोड़ा सा प्रोसीजर को ऑटोमेट करते हैं। वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है ना, सैंपल साइज डिपेंड करता है कि आपने पहले तो सैंपलिंग मेथडोलॉजी कौन सी यूज करनी है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है। तो सैंपलिंग पे तो हम सैंपलिंग सैंपल साइज इस पे तो अलग पूरी कर सकते हैं, ये उससे डिफरेंट स्टोरी है जो मैं इधर करवा रहा हूँ। ये तो मैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको सैंपलिंग पे अलग करवा दूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास जो वेट आ रहे थे कहां से कहां तक थे, ठीक है। तो मैं अब एक्चुअल डेटा नहीं ले रहा है, तो ये अस्यूम यही करेंगे कि यही एक्चुअल है, लेकिन इस तरह से करते हैं कि ये चले उसमें चले जाएं। हमारा मीन क्या आया था, पॉपुलेशन का मीन 67.65 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था 10.43।
सपोज ये हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से मैंने एक सैंपल ड्रॉ करना। अभी मैं अस्यूम करता हूं कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, सही है ना, कुछ तो कुछ अप्रोक्सीमेट तो नॉर्मल थी नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट नॉर्मल के साथ मैं एक सैंपल ड्रॉ करता हूं इक्वल्स नॉर्म इनवर्स। अगर मैं अस्यूम करूंगा कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है पॉपुलेशन के अंदर, तो मैं नॉर्म इनवर्स यानी कि इनवर्स नंबर उससे जनरेट करूंगा। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूं तो ये लिखूंगा रैंड। मीन कितना आया था? 67.65। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 10। तो मैंने एग्जैक्टली वही काम किया है कि अस्यूम किया है कि आपका जो वेट का डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी पॉपुलेशन का, और आपकी पॉपुलेशन का जो मीन है वो 67.65 है, और जो आपकी पॉपुलेशन है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10.43 है। इसमें से मैंने एक रैंडम बंदा चूज किया, उसका वेट निकला 62.1। ये एक बंदा, मैंने कितने बंदे चूज करने हैं? 6। अब कितने हो गए? 6। अब ये मेरे पास 6 हैं, इसका मैं निकालता हूं मीन। क्या आया? 66.5। जबकि एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन क्या है? अब जो फार्मूले से मैंने ये जनरेट किया, आप इस वर्कशीट में कुछ भी लिखेंगे या सिंपल डिलीट प्रेस करेंगे, जो मर्जी करेंगे, ये सैंपल भी चेंज हो जाएगा और इसका मीन भी डेफिनेटली फिर चेंज होगा। जरा गौर करना इसका मीन क्या क्या हो सकता है। अभी क्या हो गया? 71। चेंज कर रहा हूं ना सैंपल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे 66 के सैंपल में ऐसा भी पॉसिबल है कि जो सैंपल आए उसका आंसर एग्जैक्टली देखें पॉपुलेशन वाला आ गया, ऐसा भी पॉसिबल है कि पॉपुलेशन से आगे 71 हो जाए। ये देखें आप, ये 67.63 और 0.65 ये पॉपुलेशन का मीन है, यानी कि सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन के कितने करीब हो सकता है, गौर करें, लेकिन दूर भी हो सकता है। अब देखें, अब आपने रियल लाइफ में एक सैंपल सिलेक्ट करना है, हो सकता है जो सैंपल आपने सिलेक्ट करना है वो ये हो, ये आपको नहीं पता, क्योंकि ट्रू पॉपुलेशन का मीन पता नहीं होता। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन की इक्वल हो, ऐसा भी पॉसिबल है आपके सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से बहुत दूर हो। अब 67 और 82, क्योंकि 82 पॉइंट एस्टिमेट है आपके सैंपल का, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं एस्टीमेट के मुताबिक पॉपुलेशन का मीन मैं कह रहा हूं 82 है, हालांकि पॉपुलेशन का मीन 67 है, यानी इतनी बड़ी गलती भी हो सकती है। आप गौर कर रहे हैं, ज्यादातर करीब करीब ही आ रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है कि दूर भी हो जाए। ये फिर दूर है, ये फिर दूर है। नहीं, 58 दूसरी साइड से भी दूर हो गया, मैं 58 से भी कम चाह रहा था, फिर आएंगे अभी। ये
ये देखिए 75 भी बड़ा नंबर है, तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि सैंपल टू सैंपल वेरिएशन में सैंपल की मीन बहुत चेंज भी हो सकता है, बहुत करीब भी हो सकता है। हमने क्या करना है, हमें अब इस प्रोसेस को, ये सिर्फ ये तो चेंज होता जा रहा है ना, ये एक्सेल में आप ये ऐड करें या नहीं, जो मैंने अभी ऐड किया है ऐड इन, ये करें या नहीं करें, दोनों सूरतों में ये वाला काम आप कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये चेंज तो हो रहा है, नोट नहीं हो रहा। तो मैं नोट करने के लिए अब ये काम करता हूं, ये है एमसी सिम मोंटे कार्लो सिमुलेशन। ये क्या है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन। यानी जो हर मीन किधर है चेंज होकर हम देख रहे हैं ना, कहीं नोट तो नहीं कर रहे, उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन, इसमें पहला आ रहा है सिलेक्ट अ सेल, यानी कि जिसकी सिमुलेशन करनी है वो सिमुलेशन हमने करनी है इस मीन की, कि ये मीन कहां से कहां तक चेंज होता है, मीन कहां से कहां तक चेंज होगा। अब सैंपल कितने सिलेक्ट करने हैं, अब हमारी जिंदगी आसान हो गई। पहले मैं बार बार लिखता था, अब मुझे एक ही दफा बताना है कि कितने सैंपल चाहिए। यहां आ रहा है 1000 काफी है, 1000 सैंपल्स ले लेते हैं। उसके बाद एक हजार सैंपल के लिए मैंने सिर्फ एक इसको किया रिकॉर्ड ऑल सिलेक्टेड सेल्स, और इसको मैं करता हूं प्रोसीड, प्रोसीड करूंगा तो ये अपना काम शुरू कर देगा। जितने सैंपल सिलेक्ट होंगे वो यहां पे प्रोग्रेस बार में शो होते जाएंगे। अब आपने देखना है ये 1000 सैंपल कितनी देर में कर, पहली दफा है थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं, 10000 सैंपल करते हैं। ठीक, 10000 प्रोसीड करूं। आपने नोट करना है कितनी देर लगती है 10000 सैंपल ड्रा करने में। सैंपल के रिजल्ट्स आ, रिजल्ट्स ये आए हैं कि 10000 सैंपल जब हमने किए उनमें से हर सैंपल का मीन डिफरेंट है, सैंपल टू सैंपल वेरी करता है, लेकिन उन सारे मीन का जो एवरेज मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार वो आया है 67.64। तो बताएं पॉपुलेशन का मीन क्या था, 67.65, ये आया 67.64। ठीक हो गया, ये एक चीज प्रूव हो गई कि जितने हमारे 10000 सैंपल्स में से, ये देखिए 14 सेकंड्स में इसने किए, तो जो 10000 सैंपल्स हैं उन 10000 सैंपल के मीन का एवरेज, फिर फर्दर मीन का मीन 67.64 है और पॉपुलेशन का मीन 67.65 है, तो ये वो पहली बात प्रूव हो गई। ठीक हो गया। दूसरी बात, इस एवरेज का ये जो जितनी मीन वैल्यूज आई हैं 10000, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आया है 4.247। फार्मूले के हिसाब से जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर इस स्टैंडर्ड डिविएशन को आप डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज पे, तो ये आना चाहिए, ये क्या आया, 4.257, 4.247 सेम आ गए। वो जो सेम पहले नहीं आ रहे थे वो कम सैंपल्स की वजह से,
लेकिन डिफरेंसेस कितने बड़े हो सकते हैं, मिनिमम वैल्यू 52 आई है 10,000 में से और मैक्सिमम वैल्यू 84 आई है, ठीक हो गया। अब जरा ज्यादा बेहतर है ना। आखिरी चीज कि हमारे सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी बनेगी। अब अगर आप गौर करें तो कैसी बनी है, नॉर्मल, वो तो बहुत छोटे सैंपल साइज था, थोड़े से नंबर थे, अब 10,000 वैल्यूज हैं तो ये प्रॉपर नॉर्मल लग रहा है। एक चीज और ये बताएं कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हम बनाते हैं तो हम नॉर्मली कहते हैं कि x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2। अब तो स्टैंडर्ड नॉन हो गया ना, स्टैंडर्ड एरर, ये तो तब था जब स्टैंडर्ड एरर अन नॉन था, अब नॉन है, तो z अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार जो होता है या z किसकी इक्वल होगा, x बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब x बार भी नॉन है, म्यू भी नॉन है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार भी नॉन है। z कैलकुलेट करें फिर देखें, ये है म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार और ये अब नॉन है, यानी कि हमने मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन से इसको निकाल लिया। ये मेरे पास 10,000 वैल्यूज हैं किसकी, ये पूरी 10,000 वैल्यूज हैं एक्स बार। ये है मेरे पास एक्स बार, म्यू भी निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार भी ले लेते हैं। ये हमारा आया है 뮤 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ऐसा ही है। जरा उस फार्मूले में पुट करें, सही, उस फॉर्मूले में पुट करना है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार और ये 10,000 वैल्यूज का मैंने काट लिया, सही। इन 10,000 वैल्यूज को मैं एक दफा फिर यहां पे पेस्ट कर, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है, तो मिनिमम वैल्यू टी जी की या टी की कितनी आई है, -9 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, 8.5, ठीक हो गया। अब
अब आपने करना ये है कि ये जो x बार आया ना, x बार, इनको जरा सेंडिंग ऑर्डर में कर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर। x बार ही है, x बार 28 भी हो सकता है, ठीक है, सैंपल का। आए थे वैसे मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ तो ये मिनिमम 52 कह रहा है, ये मैंने कहाँ गलती की है। या वहां वो मिनिमम 52 कहता है और यहाँ मिनिमम 28 कहता है, कहाँ पे गड़बड़ है। 52 का मिनिमम तो समझ आता है, 28 का दिया है। मुझे लगता है एक दफा फिर रन करते हैं, कोई गड़बड़ है। ये देखें, ये आंसर वही आए तकरीबन, थोड़े से डिफरेंस के साथ। ये तो अब नए 10,000 सैंपल है ना, ये वही सैंपल दोबारा तो नहीं मिलेगा। अभी तो ये ठीक आ रहे हैं, पता नहीं बाद में चल के कोई गड़बड़ ना हो जाए। सही है, ये एक्स बार, इसको मैं अरेंज करता हूं इसमें असेंडिंग ऑर्डर। सही, आप रीजनेबल नंबर हैं, वो पहले को गड़बड़ हुई, ठीक हो गया। अब जो है मैं यहां से इसका मीन और स्टैंडर्ड एरर ये दोनों लेके आ, तो ये है पॉपुलेशन मीन और ये है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है जी। तो यहां पे अब हम करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू माइनस पॉपुलेशन मीन
अब रीजनेबल वैल्यू नहीं। तो ये बेसिकली टी की या जी की वैल्यूज है, सही है। अब आपने एक चीज पे गौर करना है, मेरे पास ये जो मैंने जिनको ग्रीन कर दिया ना, ये पहली 2.5% वैल्यूज हैं टी, यानी कि ये वो वैल्यूज हैं जिनकी जो लास्ट वैल्यू आएगी ना उससे नीचे नीचे 2.5% प्रोबेबिलिटी है वैल्यू के लाई करने की। क्यों? मैंने 250 वैल्यू सिलेक्ट की, 250 आउट ऑफ 10,000 कितना होता है? 250 आउट ऑफ 10,000, 2.5%। तो ये जो 2.5% है इसका अगर आप टेबल उठा के देखें तो टेबल कहता है कि इसकी वैल्यू -1.96 होनी चाहिए। मेरी वैल्यू क्या आई है? मैंने कोई टेबल नहीं देखा, वैल्यू क्या आई है? -1.94। अब ये जो 96 और 94 का डिफरेंस है ये इसलिए आया कि मेरी 10,000 वैल्यूज हैं, अगर मैं 1,00,000 वैल्यू लेता तो ये 25% एग्जैक्ट 1.96% पे चला जाता, 1.96 पे चला जाता। अब टेबल में तो आप -1.96 थ्योरेटिकली लेते हैं कि -1.96 वो नंबर है जिससे नीचे टी डिस्ट्रीब्यूटेड या जी डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर की 2.5% वैल्यूज 1.96 से नीचे होंगी, -1.96 से। मैंने ये प्रैक्टिकली किया है और मेरी 2.5% वैल्यूज -1.94 से नीचे आई है, विच इज अप्रोक्सीमेटली -1.96, सही है। आप अब इधर से 2.5%, 3%, 4.5%, 5%, 10% सबकी वैल्यूज लेते जाएं तो ये बेसिकली टी का टेबल जनरेट होता है। जो टी का टेबल आप बुक से देखते हैं वो यहां से खुद से जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली उन वैल्यूज का और उन टेबल्स का मतलब होता है, अगर आप ये भी समझें। लेकिन आप हमेशा टी की वैल्यू देखते हैं, कहते हैं यार मेरे पास जो है वो कितना सैंपल साइज है और मेरे पास जो है वो ये सैंपल साइज है और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ये चीज फलां है, तो मुझे जरा ये बताएं कि मेरी एवरेज वैल्यू क्या आएगी जी की वैल्यू। तो आप देखते हैं टेबल में, तो टेबल में आपको नजर आती है -1.96। अब उसका मतलब क्या है? मतलब यहां पे समझे कि हमारा एक्स बार नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है, उसकी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यूज हैं एक्स बार की, जब हमने उसको उसमें कन्वर्ट किया तो 250 नंबर्स, यानी कि आउट ऑफ 10,000 जो कि 2.5% नंबर बनते हैं, 2.5% नंबर आउट ऑफ 10,000 -1.94 से नीचे नीचे, यही चीज हम उस टेबल में देख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बेस पे एक काम और करें, x बार -1.96 ही इसको ले लेते हैं, है तो हमारा 94 आया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, ये, और एक दफा मैं लेता हूं x बार +1.96 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, वो ये। अब आपने एक काम गौर करना, सही,
ये सारे के सारे क्या बने, ये सारे के सारे क्या बन गए, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। क्योंकि 10,000 सैंपल निकल सकते हैं तो 10,000 कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकलेंगे। आपने जब रियल लाइफ में सैंपल सिलेक्ट करना है, एक होगा, सही, एक सैंपल। सपोज आपका सैंपल ये फिफ्थ वाला है, हो सकता है ना फिफ्थ वाला, ये आपका सैंपल ये है फिफ्थ वाला। इस सैंपल के हिसाब से आप कह रहे हैं कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि पॉपुलेशन का मीन इन वैल्यूज में है। आप बताएं है? नहीं है। अब ये बात समझें, आपने एक सैंपल लेना होता है, उस सैंपल में पॉपुलेशन का मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं इसमें है, हाथ में ब्लैक बॉल है, कह रहे हैं मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं मेरे हाथ में रेड बॉल है। ये पॉइंट समझ आया आपको? कि आपने एक सैंपल सिलेक्ट करना है, वो सैंपल ऐसा सैंपल हो सकता है जिसमें पॉपुलेशन का मीन एक्चुअली नहीं है। लेकिन इशू क्या है, असल इशू ये समझ, तो सारे तो आप हो सकता है एक सैंपल एक्सट्रीम ले लें। आपको क्या पता आपने सैंपल एक्सट्रीम लिया या नहीं लिया, सैंपल तो एक ही लेना है। ये रैंडम ही थे सारे, ये सारे रैंडम है सर। असेंडिंग में आप असेंडिंग में तो बात नहीं किया ना, आप एक बात समझिए, 10 के 10,000 सैंपल रैंडमली सिलेक्ट हुए, बाद में मैंने असेंडिंग नहीं किया ना। देखें आपको फिर शायद प्रॉपर रैंडम कर पाए या नहीं, क्यों, इसलिए कि आप तो कई मसले करेंगे कि आप सुबह के टाइम ज्यादा इंटरव्यू करते हैं शाम को कम, तो बायस आ जाएगा कि जो लोग मैनेजर जल्दी सुबह आते हैं आप उनको इंटरव्यू करेंगे, या बायस आ सकता है सुबह को उनका मूड और होता है शाम को उनका मूड और होता है, आपने ज्यादा सुबह इंटरव्यू किया तो उनके मूड कुछ और थे, सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपका सर्वे था। आपके तो 100 बायसेज हो सकते हैं, इसमें तो कोई बायस नहीं है, इसमें तो हर एक रैंडमली सिलेक्ट किया है, सही है ना, ये कोई वो नहीं है। असेंडिंग तो मैं बाद में कर रहा हूं सैंपल सिलेक्शन के बाद, तो जैसे ये रैंडमली सिलेक्ट कर सकता है इस तरह का, आप भी रैंडमली ऐसा सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो अब हम इसको मैं करता हूं जीरो, जीरो से मेरी मुराद ये है, अब आपने मुझे देखते जाना है कि कहां तक हमारा सैंपल एक्चुअली पॉपुलेशन मीन, हमारा सैंपल की बेस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन को कंटेन नहीं करता। क्लियर, यहां तक नहीं करता, ठीक हो गया। यहां भी आपने एक काम देखना है, कहां तक नहीं करता, अब आपने इधर देखना है, सही, तो उसकी वैल्यू क्या है, 67.65। जहां जहां नहीं करता मैंने उसको जीरो नंबर दे दिया, बात समझ आई, मैंने उसको
ये है बहुत स्लो आज का प्रोसेस, लेकिन ये सारा बेसिक्स हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती कि ये इशू क्या है। चल ये अब मैंने क्या किया है, जीरो और वन कर दिया। जीरो से मुराद मैंने लिया है कि जिनमें कॉन्टेन नहीं करता, और वन का मतलब है जब कॉन्टेन। ये करने का मुझे फायदा ये हुआ है कि अब अगर मैं इनका सम कर लूं, तो सम क्या आया है बोले, सम क्या आया 81, 87, जो कि रेशो में 82% बनता है, रेशो में 82% बनता है। इंटरेस्टिंगली आपके सैंपल जो आपने लिए हैं, उसमें से 1800 ऐसे सैंपल्स हैं, 1800 ऐसे सैंपल्स हैं जिन सैंपल से आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किया, तो पॉपुलेशन मीन उसमें नहीं था। अब 1800 इज अ बिग नंबर, 10,000 के मुकाबले में छोटा है, लेकिन अदरवाइज बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब यह है कि आपके इस पर्टिकुलर केस में 1800 ऐसे सैंपल्स हैं जिनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पॉपुलेशन पैरामीटर को कंटेन नहीं करते, जबकि 8200 ये कितने बने, 236 ऐसे सैंपल्स हैं जिनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स उस नल को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन है, हालांकि यूसी पॉपुलेशन से लिए गए सैंपल है, लेकिन फिर भी 236 सैंपल्स ऐसे हैं जो ट्रू वाले नल को रिजेक्ट करेंगे। और आपको क्या पता आपका सैंपल इन्हीं 236 में से एक हो, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। 200 अभी नीचे से भी कुछ सैंपल्स पड़े हैं। ये कितने हो गए, 263। ये बड़ा जबरदस्त नंबर है, 5%। ये कितना आया, 5%। ये बता सकते हैं क्या है, 5% चांसेस हैं इधर कि जो ट्रू नल है, जो पॉपुलेशन का एक्चुअल, आपको तो जो कि पॉपुलेशन का नल पता नहीं है ना, पॉपुलेशन के पैरामीटर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर हमने डेसिमल प्लेसेस तक जाके ट्रू वाला रखा, फिर भी 500 सैंपल्स ऐसे हैं जो उस ट्रू वाले को भी रिजेक्ट कर देंगे, और आपने एक सैंपल लेना होता है, ये बार बार याद रखना। तो आपका सैंपल यदि 500 में से भी जो एक हो सकता है, तो नल ट्रू हो आप उसको रिजेक्ट करके बैठे हो, नल ट्रू है, नल वो है जो 100% पॉपुलेशन वाला मीन है,
फिर भी हमारे 500 सैंपल उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉपुलेशन में से ड्रॉप किए हुए सैंपल। कोई बता सकता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्यूटिंग टाइप वन। टाइप वन एरर और ये हर सॉफ्टवेयर रिपोर्ट करता है, लेकिन हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अगर SPSS में काम करे तो वो सिग्निफिकेंस वैल्यू देता है, EBUs में काम करे तो वो पी वैल्यू देता है, स्टेटा में काम करे तो वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू देता है। लिखी होती है ना पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू, वो यही होती है। वो ये होती है कि कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप जिस नल को रिजेक्ट कर रहे हो वो नल असल में पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू है। सही, कोई बता सकता है इसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ द टेस्ट। ये कॉन्फिडेंस लेवल है जिसकी बेस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता है। ये कॉन्फिडेंस, इसका मतलब आप चार चीजें हो गई हैं यहाँ, 95 क्या है, 0.05 क्या है, यहाँ पे ये 1% क्या है, या ये 43% क्या है, और 56% क्या है, यानी क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो कॉन्फिडेंस तो ये है कि जिस नल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं फिर आते हैं। ये क्या चीज है, जिस नल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली ट्रू है, जिस नल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो ट्रू है। तो ये क्या हुआ, जिस नल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो फॉल्स। जिस नल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, देखें 95% प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि वी आर नॉट कमिटिंग टाइप वन एरर। 95% कॉन्फिडेंस है इस चीज का कि हम टाइप वन एरर कमिट नहीं कर रहे। का मतलब क्या है, ट्रू को एक्सेप्ट करना, यानी कि जो नल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ट्रू नल। ठीक, अब आप मुझे बताएं कि हम हमेशा एक बात कहते होते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 0.05 हो तो नल रिजेक्ट कर दें, यही इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हम इस नल को रिजेक्ट करते हुए अभी भी डर रहे हैं कि कहीं हम टाइप वन एरर कमिट ना कर रहे हों, लेकिन हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि टाइप वन एरर नहीं होगा। ये उसकी इंटरप्रिटेशन, हम कहते हैं ना 0.05 से प्रोबेबिलिटी कम हो जाए तो नल रिजेक्ट करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि हम नल जो रिजेक्ट करने लगे हैं इसमें ये डर जरूर है कि हम टाइप वन एरर में कर रहे हैं, हम कहीं ट्रू नल को ना रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, हम सही कर रहे हैं। बात समझे, ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से मुराद है कि हम टाइप वन एरर कमिट नहीं कर रहे, उस पर हम कॉन्फिडेंट हैं। चार चीजें हो गई क्या, अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा होता है चांस ऑफ एरर, सिग्निफिकेंस लेवल, ये जो 0.05 आया वो जो डी अल्फा बाय 2 लिखते हैं, अल्फा इज सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा,
Similarly, beta is probability of type 2 error, beta and 1 minus beta. अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और वो 1 minus alpha को type 2 error की probability कह देते हैं. 1 minus alpha is confidence level. It's not type 2, probability of type 2 error. बात समझ आ गई आपको? ये चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें हमने रटी हुई हैं, पी वैल्यू ये हो तो यूँ होता है, फला चीज़ यूँ हो तो यूँ. ये 10,000 दफ़ा करने का मतलब है हम वाकई देख रहे हैं कि 500 सैंपल जैसे हैं. ये कोई मैंने फार्मूला तो नहीं लगाया, मैंने तो सिंपल काउंटिंग की है कि 236 एक तरफ और 263 एक तरफ. 500 ऐसे सैंपल्स वाकई पड़े हैं जो हमारे ट्रू नल को भी कंटेन नहीं करते. ये चांस ऑफ एरर होगा, ये सिग्निफिकेंस लेवल होगा, ये प्रॉबिबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर. अब इसलिए हम इसको 5% से कम रखना चाह रहे हैं कि जब भी आप नल रिजेक्ट करेंगे टाइप वन एरर के चांसेस हमेशा मौजूद रहेंगे. तो जितना टाइप वन एरर के चांसेस कम होंगे उतना आपका रिजेक्शन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं टाइप वन एरर नहीं कर रहा. इसलिए इसे 5% से नीचे रखें. लेकिन ऊपर स्टोरी डिफरेंट है. ये टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी है, ये निकली थी, ये 1.4%.